सबका विकास मतलब जीवन के हर पहलू का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, हर प्रकार सबका विकास। साथियों, इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में अंडमान निकोबार में विकास की नई गाथा लिखी गई है। पिछली सरकार के 9 साल में, यानी हमारे पहले जो सरकार थी, 9 साल में अंडमान निकोबार को करीब 23,000 करोड़ रुपए का बजट अलर्ट किया गया था, जबकि हमारी सरकार के दौरान अंडमान निकोबार के विकास के लिए 9 वर्षों में करीब करीब 48,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। यानी हमारी सरकार ने अंडमान निकोबार के विकास के लिए पहले के मुकाबले 2 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है। पिछली सरकार के 9 साल में अंडमान निकोबार में 28,000 घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया था। हमारी सरकार के 9 साल में यहां के करीब 50,000 घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया गया है। यानी हर घर जल पहुंचाने के लिए भी हमारी सरकार ने पहले के मुकाबले 2 गुनी रफ्तार से काम किया है। आज यहां के लगभग हर व्यक्ति के पास अपना बैंक अकाउंट है। आज यहां के हर गरीब को 1 नेशन 1 राशन कार्ड की सुविधा मिली हुई है। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये हमारी सरकार है जिसने पोर्ट ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में इंटरनेट सैटेलाइट के भरोसे ही था। हमारी सरकार ने समंदर के नीचे सैकड़ों किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर इस परेशानी को दूर कर दिया है। साथियों, अंडमान निकोबार में हो रहा सुविधाओं का ये विकास यहां के टूरिज्म को गति दे रहा है। जब मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ती है तो टूरिस्ट भी बढ़ते हैं, जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है तो टूरिस्ट का आना जाना और बढ़ जाता है, जब एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ती हैं तो टूरिस्ट यहां आना पसंद करता है, जब रोड अच्छी होती है तो टूरिस्ट अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा बिताता है। इसलिए ही अंडमान निकोबार आने वाले टूरिस्टों की संख्या अब 2014 के मुकाबले 2 गुनी हो गई है। यहां स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी क्रूज जैसे एडवेंचर के लिए आने वाले टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ रही है। और साथियों, मेरे अंडमान निकोबार के भाई बहन सुन लीजिए, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले सालों में ये संख्या कई गुना बढ़ने वाली है। इससे अंडमान निकोबार में रोजगार, स्वरोजगार की नई संभावनाएं बनने वाली है। साथियों, आज अंडमान निकोबार विरासत भी और विकास भी इस महामंत्र का जीवंत उदाहरण बन रहा है।
आप भी जानते हैं कि अंडमान निकोबार में लाल किले से भी पहले तिरंगा फहराया गया था।